असलम नाजरन कराम नई वीडियो में आपको खुश कहते हैं जनरल फ़ैज़ हमीद से मतलब एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खारिज तो कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड भी डिस्कलोज कर गई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ और बड़ा सख्त फैसला आया है मैं उसकी तफ़ील इस वीडियो में शेयर करूंगा जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की सियासी सरगर्मियों के हवाले से दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वा पर समाप्त हुई उसकी तफसील भी सामने आ चुकी है और साथ में आपको बताऊँगा कि तोशा खाना की तफ़ील कीदम फ्राहमी पर तोह अदालत की दरखास्त दायर की गई है क्योंकि अदालती अहकाम के बावजूद तोशा खाना की तफसीत नहीं सामने लाई गई इस वजह से तोहन अदालत की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वात दायर की गई है इस पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे नादरी ने कराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला सामने आया है ज़ुबानी माहे के हवाले से औरल एग्रीमेंट हमारा इस्लामिक लॉ भी और में भी औरल एग्रीमेंट की एक हैसियत है आप जानते हैं कि जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले चूँकि हम इस्लामिक लॉ के तहत चीज़ों को चलाते थे फ़िका के जरिए हम अपने रोज़मर मसाइल का हल तलाश करते थे जब मुस्लिम मुमलकतें थीं दुनिया में मस सल्तनत स्मानिया थी या मुख्त सल्तनतें थीं मसला निका का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा औरल ही होता था अब उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है हमारी शरीयत में औरल निका नाजायज़ नहीं है गवाहान की मौजूदगी लाजमी है बाकी वो औरल हो या रिटर्न शरीयत में उसकी कोई ममानियत नहीं है तो औरल निका काबिल तस्नीम है इसी तरह से औरल जो एग्रीमेंट है नबी पाक अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपस में माहदात करो तो लिख लिया करो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ज़ुबानी माहे पर रिलीफ देने की सदा मुस्रद की है काजी फायजिशा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ज़ुबानी माहे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है हालांकि हमारे यहाँ जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें जो असेंशल हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अठारह का है उसमें भी नहीं लिखा हुआ कि रिटर्न होना चाहिए जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ज़ुबानी माहे की कोई हैसियत नहीं पंजाब में ज़मीन के मादों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है ज़ुबानी माहदों का दरवाज़ा हमें बंद करना होगा लोगों ने भी अराजी पर माहे करना छोड़ दिए हैं लोग समझ चुके हैं कि वो कला ऐसे केसेस बीस साल तक लटका देते हैं दरखास्त गुजार माह भी जुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है क्या क्यादे ज़ुबानी को आ, आ, क्या कुरने पाक की आयत की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है कुरने पाक की तालीमत के मुताबिक भी माहे ज़ुबानी नहीं तहरीरी होता है दरख्वा गुजार मुकर्र मुद्दत में तयशुदा रकम जमा करवाने में नाकाम रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तीन रुकनी बेंच ने यह समात की है चार एकड़ अराजी खरीदने के एक सौ बावन मिलियन का यह माहा था लेकिन दरख्वास्त गुजार दो माह में सिर्फ बारह से पंद्रह मिलियन जो है वो जमा करवा सका एक सौ बावन मिलियन में से और वो कहता है कि ज़ुबानी माह और ज़ुबानी माहे में मैं ये सारी की सारी ज़मीन ख़रीद चुका हूँ इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो हालात हैं आपको ज़रूर रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए मैं सिर्फ़ एक क्वेश्चन ऑफ़ लॉ की बात कर रहा हूँ कि जब काजी फ़ायजी साहब कुरने करीम का हवाला दें किरने पाक की तालीम के मुताबिक माहा सिर्फ तहरीरी है ज़ुबानी नहीं तो मेरे ख़्याल में ये बात ग़लत है ज़ुबानी माहा अगर गवाहान की मौजूदगी में हो तो वो भी उतना ही वैलिड है हाँ अब हालात चेंज हो चुके हैं इन हालात को मद्नज़र रखते हुए ज़ुबानी माहा करना नहीं चाहिए दूसरी जानब जस्टिस अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की जल्दी है इसलिए अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने बीस नवंबर को अजलास तलब कर लिया मैं आपको बताता चलूँ कि मखदूम अली ख़ान को वकील मुकर किया है जस्टिस मजाहर अली अकबर नकवी ने अपने केस में ये पहले काजी फायदिशा को भी अपनी सर्विस दे चुके हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी तलब कर लिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसल इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा इजलास में मज़ाहिर नकवी और सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा नकवी के एतराज पर भी गौर किया जाएगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शवकास जारी किया था जिसका उन्होंने जवाब जमा करवाया और तीन जजिस पर इतराज़ा करते हुए उनको बेंच से अलग होने का मुतालबा किया था कि इन दोनों शخ, तीनों शख्सियात को अलग होना चाहिए दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की अदालत में दरख्वास दायर की गई थी कि हमने आपसे ऑर्डर लिया था और आपने उन्नीस नवंबर के लिए हमें कहा था कि आप जलसा या कन्वेन्शन कर सकते हैं लेकिन यहाँ तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं तो अदालत में समात हुई है अली बाकर नजफ़ी ने ज़ुबैर कसाना जो पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ के वलाब विंग के पंजाब में सदर हैं उनकी दरख्वा पर समात के दौरान अदालत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दरखास्तों पर फ़ैसला करने की हिदायत की है दरखास्त गुजार जुबैर कसाना ने अदालत में मौक़ अख्तियार किया कि हफजाबाद वाला शेखुपुरा ननखाना साहब और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर को दरखास्तें दी लेकिन किसी डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की दरख्वास गुजार ने अदालत से सदा की कि पाँच अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वातें मंजूर करने की हिदायत जारी की जाए जस्टिस अली बा नजवी ने कहा कि कानून और आयन के मुताबिक सरगर्मियाँ करना हर सियासी जमात का हक है डिप्टी कमिश्नर ऐसे मामला को रोक नहीं सकते इस बुनियाद पर अकबर नजफी ने डायरेक्शन दी है आ, पांचों डीसी को कि आप हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरखास्तें डिसाइड करें और इनको सियासी अतमात की इजाजत दें अब चूंकि जुबैर कसाना की जानब से मांगा ही यही गया था क्योंकि पहले पहल आपको डायरेक्शन लेनी होती हैं और अगर इन डायरेक्शन के बावजूद अमल दरामद नहीं होता या आपको इजाज़त नहीं देते तो फिर आप हाई कोर्ट से रजू करते हैं ये पहली दरखास्त है पहला फैसला उन्नीस नवंबर का आज भी बरकरार है और उसकी तैयारियाँ शाहरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं तो अब अदालत ने कहा है कि सियासी अजमात हर जमात का हक है आइन और कानून के दायरे में रहते हुए और आप उनको रोक नहीं सकते मना नहीं कर सकते फिर लाहौर कोर्ट ने एक शहरी की जानब से उन्नीस सौ सन्तालीस से अब तक की तोशा खाना तफसीलत फम न करने पर तोहनी अदालत की दरख्वास दायर की है नदिन कलम आपके इलमें होगा कि तोशा खाना की उन्नीस सौ सन्तालीस से लेकर दो हज़ार बाईस तक तफसीलत पब्लिक करने का हुक्म दिया था लेकिन वो पब्लिक नहीं उस पर तोहनी अदालत की यह दरख्वास जो है वो दायर की गई है इस पर अदालत ने कहा है कि हमें बताएँ कि इनके खिलाफ तोहनी अदालत की कार्रवाई कैसे चल सकती है फिर अदालत शोकाउस जारी करेगी दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ केस की समात का तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा है कि फैज़ हमीद पर संजीदा इल्जाम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते ये वो दरख्वास्त है जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिस पर रजिस्ट्रार ने कोई एतराज़ भी आयद नहीं किया सबक डी जी आई एस आई जनरल फ़ैज़ हमीद के खिलाफ मुईज़ अहमद की दरखास्त पर आठ नवंबर की समात का तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्त गुजार ने आई एस आई के सबक उहदेदार फैज़ हमद पर संगीन इल्जाम आएद किए हैं दरख्वा गुजार के मुताबिक टॉप सिटी पर कब्ज़े के लिए उनको और अहल ख़ाना को अगवा किया गया अदालती फैसले में कहा गया कि फ़ैज़ हमीद पर दरख्वात गुजार के ऑफिस और घर पर छापे का इल्ज़ाम है जनरल फैज़ पर दरख्वास्त गुजार के घर का सामान और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी करने का भी इल्ज़ाम है दरख्वात गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कार्रवाई के लिए कोई मुतलका फ़ोरम नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अटॉर्तारत दिफा से रुजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल वन एटी फोर थ्री के म्यार पर पूरा ना उतरने पर फैज अमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी आ, अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार के पास वजारत दिफा समेत दीगर मुतल फोरम्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स को छो, छेड़े बगैर ये दरख्वास निपटाती है हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास गुजार खबर एक जानब यह निपटाया जा रहा है और फिर ये भी कहना कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम तो बड़े सख्त हैं तो हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास गुजार की जानब से संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए जो अगर सच साबित होते हैं तो मुसल्ला अफवाज आई एस आई रेंजर्स और विफाकी हकूत की साख को नुकसान पहुँचेगा संजीदा इल्ज़ाम होने के बायस इन्हें नज़रअाज़ नहीं किया जा सकता दायर की गई दरख्वास्त वन एटी फोर थ्री के मैार पर नहीं है अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास गुजार के पास मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ने बर रास्त वन एटी फोर थ्री का इस्तेमाल किया तो दूसरे फरीक़ैन के हकूक मुतासर होंगे दरख्वा गुजार के खदशात हैं कि उसकी दरख्वास्त पर वजारत दफा कार्रवाई नहीं करेगी दरख्वास गुजार के मुताबिक जिन लोगों पर इल्ज़ाम हैं वो अहम उहदों पर फायज़ हैं हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटारनी जनरल ने यकीन दहानी करवाई शिकायत की शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी एडिशनल अटारनी जनरल की विफाक़ी हकूमत से दिए गए मौक़ पर शक करने की कोई वजह नहीं है अगर दरख्वा गुजार व दिफा से रजू करे तो कानून के मुताबिक का जायजा लिया जाएगा जबकि अतर मिनला का, आ, काजी फायजी शिकायत पर दो सफात पर मुश्तम इजाफी नोटिस भी आ, जो है जिसमें जिस कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आर एच सेल दो हज़ार पांच से काम कर रहा है दौरान तो समात बताया गया कि आ, कि ये, ये कायम करदा इंसानी हकूक सेल कानून के मुताबिक नहीं है तो अतर मीना ने लिखा कि अदालत को बताया गया कि चीफ़ जस्टिस की जानब से चैम्बर में दिए गए अहकाम और इकदाम भी किसी कानून के मुताबिक नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ के जारी करदा खतूत से अदालती अहकाम होने का गलत असर मिलता है चीफ़ जस्टिस की जानब से फ्री कैन को चैम्बर या मीटिंग रूम में बुलाना शफाफ ट्रायल के मुनाफी है इस वजह से इसको भी ख़त्म किया जाता है अब आप अंदाज़ा करें ये वैसे ही है जैसे नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया और उसके बाद आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये दरखास्तें नाकबिल समात हैं तो ये दरखास्तें भी नाकबले समात हैं लेकिन फ़ैज़ हमीद के खिलाफ लिख भी सारा कुछ दिया और विफाक हुकूमत की यकीन दहानी भी लिख दी कि एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा है कि विफाक हुकूमत हर सूरत कार्रवाई करेगी अगर हमसे रुजू करें क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मेरिट ना भी हो एक दरख्वास्त नाकबिल समात भी हो लेकिन जहाँ हमारा निज़ाम इंसाफ़ देने पर तुल जाए वो सब कुछ कर देते हैं लेकिन दूसरी जानब कहते हैं कि जी नवे दिन में इंतबात होने तो चाहिए लेकिन अभी आप हाई कोर्ट में जाएँ तो ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और इस तरह से हमें इंसाफ दिया जाता है तो नादिन कराम आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा